राजस्थान में राज्यपाल कल्याण सिंह को स्वाइन फ्लू को लेकर विरोधाभासी खबरें सामने आई हैं। जयपुर में डॉक्टर्स ने उन्हें स्वाइन फ्लू बता दिया, जबकि दिल्ली के चिकित्सकों ने इससे इनकार किया है। जानकारी के मुताबिक सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने रविवार को उनकी जांच की थी और स्वाइन फ्लू संबंधी कुछ सैंपल्स भी लिए थे। शाम तक डॉक्टर्स ने उन्हें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव की पुष्टि कर दी। राज्यपाल को रात 11 बजे विशेष विमान से दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। उधर राज्यपाल को स्वाइन फ्लू होने को लेकर उस वक्त गतिरोध पैदा हो गया जब दिल्ली के डॉक्टर्स ने जांच में राज्यपाल को स्वाइन फ्लू नेगेटिव करार दे दिया। राजस्थान और दिल्ली की मेडिकल टीम की अलग अलग रिपोर्ट से असमंजस की स्थिति बन गई। अब राज्यपाल की फिर से जांच कराई जाएगी। बताया जाता है कि राज्यपाल कल्याण सिंह अब स्वस्थ हैं और वे अलीगढ़ में 7 मार्च को अपनी पोती पूर्णिमा सिंह के विवाह में शामिल होंगे। गौरतलब है कि अलवर में ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री कालीचरण सराफ ने विधानसभा में माना था कि गत 3 वर्ष में स्वाइन फ्लू से प्रदेश में 890 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में वर्ष 2015 से अब तक 50,000 से अधिक रोगियों की स्वाइन फ्लू की जांच की गई। इसमें से 11,748 मरीजों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया और 890 रोगियों की मौत हो चुकी है।